औठों में बिठाया, मारा पीटा और जिसके बाद अपहरण करने की कोशिश किया, मगर नाकाम होने पर लाखों लेकर फरार हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। राजधानी पटना में एक बड़ा गैंग सक्रिय है, इन दिनों खूब देखने को मिल रहा है उस गैंग का कारनामा। देखिए, गैंग का नाम तो हम भी नहीं जानते, मगर सुर्खियों में ये गैंग खूब है। नाम है ऑटो लिफ्टर गैंग। ऑटो लिफ्टर गैंग का काम ये होता है कि अगर आप ट्रेन से उतरते हैं पटना जंक्शन इलाके से लेकर राजेंद्र नगर टर्मिनल और पाटलिपुत्र टर्मिनल, यानी तीन स्टेशन पटना में है, इस स्टेशन से निकलते ही वो आपको अपने ऑटो में बैठाते हैं और अपने स्थल तक जाने के लिए आप उस ऑटो में बैठते हैं तो कुछ दूरी पर ले जाकर ये लोग आपसे मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद आपके लाखों रुपए करोड़ों रुपए लेकर ये गायब हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं। पुलिस के पास आप पहुंचते हैं, एफआईआर करवाते हैं, मगर अब तक कोई भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। एक और ताजा मामला राजधानी पटना के कोतवाली थाने अंतर्गत है। कोतवाली थाना एक वीआईपी इलाका है और पटना जंक्शन उसी इलाके में आता है। एसपी वर्मा रोड के अंतर्गत एक ऑटो पर सवार एक व्यक्ति जो अपने बेटे का एडमिशन करवाने जमुई से आया था पटना के एक बड़े कोचिंग संस्थान में, 1,46,000 रुपये इनके पॉकेट में थे और जब ये ऑटो में बैठे मारपीट हुई, लेकर भागने लगा ऑटो वाला तो लाखों गायब हो गया। बाद में पता चला कि इनका पॉकेट तो कट चुका है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं पीड़ित पिता जो अपने बेटे का एडमिशन करवाने जमुई से आया था, वो क्या कुछ कह रहे हैं। हम राजेंद्र नगर से जैसे उतरे सर, वहाँ एक ऑटो से पूछ रहे थे, तालू हकाया कि आप कहाँ जाना है, तो हम बोले जंक्शन जाना है। ताई आइए, तो हम बोले किधर है गाड़ी, तो यहाँ पर देखे लगा हुआ है गाड़ी, तो गाड़ी लगा हुआ है वहाँ था, तो वहाँ पे गए तो बैठे, तो तीन आदमी था वो लोग, आए वो ड्राइवर चार गो, तो पीछे तो बैठने का जगह नहीं था, तो दो गो था वहाँ बैठ गए। अब मेरे साथ दो आदमी था आगे, और एक वो उसको बैठा दिया। और उसके बाद थोड़ा दूर जब गया आगे करबरैया पुल के पास, तो वहां पर जाके इस दोनों को बोला कि से हवा लगता है आगे, देखिए जरा कम है, तनी जरा उधरिए, तो अब उतने में स्पीड करके गाड़ी ले चल गया उधर एसपी वर्मा रोड तरफ। और वहां पर हम जकड़ के पैकेट फाड़ के ब्लेड से निकाल लिया बस। और उसी में हमको दाबने लगा, लेकिन हम जब उसी में अथी हाथापाई जो किए उसके बाद नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद फिर हम उठे एक बार बाई से, और उसके बाद अबड़ी जब गिर, अबड़ी जब घुमच के जो मारा बस गिर गए वहीं पर। क्या बात है, उसके बाद हम गिर ले रह गया, वो भाग गया सीधे ऑटो लेके। आज इसके बाद मेरा हाथ क्रैक कर गया पूरा, जाके सरकारी हॉस्पिटल में जाके दिखाया, थाना में जाके नाम लिखाए, और उसके बाद अति मोट सीसीटीवी में जाके चेक करवाए, तो वहां पर उसका गाड़ी नंबर और कि ऑटो सब चीज निकला। कितना पैसा कटाया? 1,46,500 पैकेट में रखे हुए? हाँ, पैकेट में था। 50,000 का दो बंडल था, 15,000 का एक था, 31,500 एक बंडल था, जिसमें कि दो बंडल वो हाथ लिया, दो बंडल गिर गया था गाड़ी पर, उसी को लेने में खाता भाई हुआ। पैसा किस लिए लेके घूम रहे थे? पैसा लेके यहाँ पर आए थे, बच्चे का मेंटेनेंस में बच्चे का एडमिशन कराना था, हाँ, जमा करना था, फीस जमा करना था, जमुई से, और इसका हॉस्टल का पैसा जमा करना था। अब कुछ सामान हम अपना ले जाते। क्या नाम है आपका? राजू मोदी। तो आपने सुना, 1,46,000 रुपए जो एडमिशन के पैसे थे वो लेकर वो पटना आए थे अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए एक बड़े कोचिंग संस्थान में, मगर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि एडमिशन भी नहीं हो पाया और खूब मारपीट भी भुगतना पड़ा उस पीड़ित पिता को। अब देखना है कि जिस तरीके से ऑटो लिफ्टर गैंग एक बार फिर से पटना में सक्रिय है, लगातार ताबड़तोड़ क्राइम को, लूटपाट को, लगातार पैसे को लेकर वो भाग जा रहे हैं, तो ऐसे में पटना पुलिस कहते हैं क्या ऑटो लिफ्टर गैंग का कोई सदस्य चढ़ता है, कोई सरगना कब तक चढ़ता है। बड़ा इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।